पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले कुमार विश्वास की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। पंजाब में चुनाव प्रचार के दौरान कुमार विश्वास ने अरविंद केजरीवाल पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। अब पंजाब में आपकी सरकार है तो वहीं सीएम भगवंत मान ने कुमार विश्वास को सबक सिखाने के लिए मोर्चा खोल दिया है, तो क्यों अब सीएम भगवंत मान और कुमार विश्वास हैं आमने सामने, देखते हैं ये रिपोर्ट। आज का दिन कुमार विश्वास शायद ही कभी भुला पाए। एक वो वक्त था जब कुमार विश्वास दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की तारीफों में कसीदे पढ़ा करते थे, लेकिन अब ये दोस्ती टूट चुकी है। पंजाब चुनाव के वक्त कुमार विश्वास ने जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को घेरा था और जो वीडियो कुमार विश्वास ने ट्विटर पर शेयर किए थे, उनसे सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल मुश्किल में नजर आ रहे थे। अब बारी कुमार विश्वास की है। आज सुबह सुबह पंजाब पुलिस के जवान कुमार विश्वास के घर पहुंच गए। इस बात की जानकारी कुमार विश्वास ने ट्वीट करके दी है। हालांकि अब तक ये नहीं पता चल पाया है कि पंजाब पुलिस किन वजहों से कुमार विश्वास के घर पहुंची है, लेकिन पंजाब चुनावों के दौरान कुमार विश्वास ने आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाए थे। पुलिस के घर पहुंचने पर कुमार विश्वास ने अपने ट्वीट में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर धोखा देने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा, कभी भगवंत मान को मैंने ही आप में शामिल करवाया था। उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को चेतावनी देते हुए लिखा कि सुबह सुबह पंजाब पुलिस द्वार पर पधारी है, एक समय मेरे द्वारा ही पार्टी में शामिल कराए गए को आगाह कर रहा हूं कि तुम दिल्ली में बैठे जिस आदमी को पंजाब के लोगों की दी हुई ताकत से खेलने दे रहे हैं, वो एक दिन तुम्हें व पंजाब को भी धोखा देगा। देश मेरी चेतावनी याद रखे। पंजाब विधानसभा चुनाव के दौरान कुमार विश्वास के सनसनीखेज वीडियो से राजनीति गर्मा गई थी। उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाया था कि केजरीवाल ने देश को तोड़ने की बात कही थी। यही नहीं, विश्वास ने इस मामले पर केजरीवाल से जवाब भी मांगा था। हालांकि इसके जवाब में केजरीवाल ने खुद को स्वीट आतंकी बताते हुए कहा था कि वो लोगों के लिए स्कूल और अस्पताल बना रहे हैं। कुमार विश्वास के ट्वीट पर आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बालियान ने भी ट्वीट करके पलटवार किया है। कहा है कि कांप क्यों रहे हैं, जो चुनाव से पहले बोला था उसी का सबूत मांगने पंजाब पुलिस पहुंची है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।